सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, वो भी हमने इसमें देखा था और हमें दो स्टोरीज देखी थी। तो अब हम लोग देखते हैं जैनिज्म के बारे में। तो जो लास्ट या फिर 24th तीर्थंकर थे ना जैनास के, वो थे वर्धमान महावीरा। उन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया था लगभग उसी टाइम पर, लगभग 2500 ईयर्स को, जब बुद्धा थे। मतलब जैना अब देख रहे हैं, पता है वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा एक ही समय पर थे, दोनों के दोनों इतनी महान हस्तियां, मगर वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। सोच रहे हैं आप कैसा कोइंसिडेंस था। तो देखिए 2500 ईयर्स अगो जो है वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, और ही वॉज द क्षत्रिय प्रिंस। ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे, जैसे कि वो सांख्य गण से थे बुद्धा, और ये जो जैना थे ये लिच्छवी ग्रुप से थे, लिच्छवी से थे, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ वज्जी संघ। तो वज्जी संघ के थे लिच्छवी ग्रुप के, अबाउट विच जिसके बारे में हम लोगों ने, वज्जी के बारे में हमने देखा था ना कि वज्जीज पर अटैक करेंगे, अजाशत्रु से पूछने, अजाशत्रु जो है बुद्धा से पूछने जाते थे, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था। एट द एज ऑफ 30, जब इनकी 30 साल की उम्र हुई, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फॉरेस्ट में रहने के लिए, जंगल में रहने के लिए चले गए थे। लगभग 12 साल तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या की, उसके बाद इनको एनलाइटनमेंट मिला था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इन्होंने ही टोटल सिंपल डॉक्ट्राइन, इन्होंने एक सिंपल सी बात कही, मेन और वुमेन जिसको भी हु विश टू नो द ट्रुथ, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनको अपना घर को छोड़ना पड़ेगा। उनको काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि अहिंसा, मतलब किसी के साथ भी आप हिंसा ना करें। अहिंसा का मतलब होता है हाथ, मतलब वही मारपीट ना करें, वॉयलेंस ना करें, आप किसी को हर्ट ना करें, आप किसी की जान ना लें। सारे के सारे बींग्स जो हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने महावीर ने कहा कि लॉन्ग टू लिव, हर कोई चाहता है कि वो जिंदा रहे। टू ऑल अदर्स लाइफ इज डियर, मतलब अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों को महावीर की टीचिंग समझ में आने लगी और वो इनके फॉलोअर बनने लगे। क्यों? क्योंकि ये भी प्राकृत में ही अपने उपदेश दिया करते थे। जिस तरीके से गौतम बुद्ध प्राकृत में अपने उपदेश देते थे, इसी तरीके से महावीर भी अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत में ही दिया करते थे। काफ़ी सारी फॉर्म्स होती है प्राकृत की, जो कि अलग अलग पार्ट में, जैसे कि हिंदी की भी कई सारी होती है ना, अवधि, और जैसे कि हिंदी है, बट हिंदी के काफ़ी सारे वर्जन हैं। राजस्थान में अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं, हरियाणा में अलग तरीके की बोलते हैं, यूपी में अलग तरीके की बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे हिंदी के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, इसी तरीके से प्राकृत के भी कई सारे फॉर्म थे। एंड नेम्ड आफ्टर रीजन्स इन विच दे वर स्कोप, उनके नाम जैसे कि अवधि हो गई है ना, हरियाणवी हो गई, राजस्थानी, गुजराती, इसी तरीके से प्राकृत की भी कई सारी वो एक तरह से बोलियाँ सी बन गई थी। और प्राकृत जो मगध में बोली जाती थी उसको मगधी बोलते थे। फॉलोअर्स जो थे, मतलब महावीर को मानने वाले, वो खुद को जैन कहने लगे। हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, बेगिंग फॉर फूड, और जो जैनास थे ना उनको बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीनी पड़ती थी, और उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी खाने के लिए। और वो कहते थे कि उनको एकदम एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल सच्चा होना पड़ेगा, और कभी भी चोरी नहीं करनी होगी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबसी, सेलिबसी मतलब जैसे कि बिल्कुल शुद्धता उनको अपने को अपनानी पड़ेगी। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और मैन को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने कपड़े भी छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि इसीलिए इनका बाद में जो है वो हो गया था, एक श्वेतांबर और दिगंबर बन गए थे, अभी देखेंगे हम इसमें। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है तो मैन एंड वुमेन के इनको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। नेवरदलेस फिर भी काफ़ी हज़ारों लोगों ने अपने घर छोड़े, इनकी टीचिंग्स को फॉलो किया, और अपनी लाइफ में मतलब जैसे इन्होंने बताया उस तरीके से अपनी ज़िंदगी इन्होंने जी। काफ़ी सारे मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड those who became monks and nuns provided them with food. काफ़ी सारे लोग जैनिज्म में आ गए, मगर उन्होंने अपने घर नहीं छोड़ा, और सब घर छोड़ देंगे तो फिर खाना कैसे मिलेगा, है ना, क्योंकि ये लोग तो बेगिंग से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये लोग, बाकी लोग जिन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया, वो इन जैन गुरुओं की एक तरह से सेवा टाइप्स की करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जैनिज्म जो है वो ट्रेडर्स, व्यापारी, इन्होंने इसको अपनाया। फार्मर्स हु हैड टू केयर इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स ऑफ फार्मर्स। अब देखिए, किसानों को तो पेस्ट और कीड़े मकौड़े जो कि उनकी फसल में लग रहे होते हैं उसको मारना पड़ता है, इसलिए जैनिज्म को फॉलो करना किसानों के लिए मुश्किल हो रहा था, मगर व्यापारियों ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। लगभग
ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक. लगभग 100-200 साल में जैनिज्म काफ़ी सारा हमारे देश के काफ़ी सारे हिस्सों में फैल गया. देयर टीचिंग्स ऑफ महावीर, महावीर की जो टीचिंग्स थी और उनके फॉलोअर्स की, वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. मतलब ओरली, मुँह मतलब बोल करके ही, वचन दे करके ही, सुना करके, इस तरीके से इनकी जो टीचिंग्स हैं वो पहले तो फैलाई जाने लगी, फिर फाइनली इनको लिखा गया. देवर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच देवर प्रेजेंटली, जो अब है ना वो वल्लभी गुजरात में इनको लिखा गया था लगभग 1500 ईयर्स अगो. ये थे 2500 ईयर अगो पहले महावीर जो थे, और लगभग इनके जाने के 1000 साल बाद जो इनकी टीचिंग्स थी उनको लिखा गया था. जैन क्या होता है? द वर्ड जैन कम फ्रॉम जीन. जो वर्ड जैन है ना वो कहाँ से आता है? जैन वर्ड आता है जीन से. इसका मतलब होता है कॉन्करर, मतलब जीतने वाला. अब आता है संघ. महावीर और बुद्ध दोनों ये मतलब फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज. महावीर और बुद्ध दोनों ही ये समझते थे कि जो भी जो अपना घर छोड़ेगा, मतलब अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो आपको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघ. और ऐसे लोग जो ज्ञान की प्राप्ति में निकले हैं वो सब लोग इकट्ठा होकर के संघ में रह सकते हैं. एक एसोसिएशन, एक जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया है. जो रूल्स बुद्धा ने बनाए थे, बुद्धिस्ट संघ, वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटक. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको याद रखना है कि विनय पिटक थी, उसमें क्या था. पहले तो विनय पिटक किससे जुड़ी हुई है? बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है. और विनय पिटक में है क्या? जो बुद्धिस्ट संघ होंगे. संघ क्या होते हैं? जहाँ पर मंक्स रहते हैं, जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो लोग संघ में रहते हैं, है ना. संघ में रहते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब रहते हैं. और संघ में किस तरीके से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, वो सारे के सारे रूल्स विनय पिटक में लिखे हुए हैं. फॉर दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई थी इन संघों की. ऑल मैन को ज्वाइन द संघ. सारे के सारे आदमी आराम से संघ को ज्वाइन कर सकते थे. हाउएवर, जो बच्चे हैं उनको अपनी पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. जो गुलाम हैं उन्हें अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. दोज हु वर्क फॉर द किंग, जो किंग के लिए काम करते हैं उनको किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी. और जो डेटर्स हैं, मतलब जिनके पास उधार है, वो अपने क्रेडिटर से, जिनसे उधार उन्होंने ले रखा है, उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी. और विमेन को अपने हस्बैंड से, औरतों को अपने पतियों से परमिशन लेनी पड़ेगी ये संघ ज्वाइन करने के लिए. मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ. मैन और वुमेन जो कि संघों को जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीते थे. वो मेडिटेट करते थे ज्यादातर टाइम, और शहर और गाँव में जाते थे खाना मांगने के लिए फिक्स्ड आवर्स में. दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्कूस. ठीक है, भिक्कूस का मतलब होता है बेगर, तो इसलिए उनको भिक्कू बोला जाता था, क्योंकि वो खुद खाना तो बनाते ही नहीं थे, वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे. भिक्कूस बोला जाता था आदमियों को, और भिक्कुनीस बोला जाता था औरतों को. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर. वो दूसरे लोगों को सिखाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे. वो मीटिंग्स भी हेल्ड करते थे, और जो झगड़े होते थे उनको भी सुलझाते थे. और दैट टुक प्लेस इन संघ, है ना, संघ में दिक्कतें जो हो जाती थी उसको भी वो लोग निवारण करते थे. दोज हु ज्वाइन द संघ, संघ जिसने ज्वाइन किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, हर किसी ने, मतलब कॉर्टिसन, स्लेव, सब ने जो है संघ को ज्वाइन किया था. मैनी ऑफ देम रोट डाउन टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. काफ़ी सारे लोगों ने जो बुद्ध ने उन्हें सिखाया था वो चीज़ें लिख भी दी थी, और काफ़ी सारी पोएम्स भी उन्होंने लिखी थी अपनी संघ की लाइफ को दर्शाने के लिए. देखिए, केव को मतलब ऐसे करा गया है, खोदा गया है ताकि उसमें रहा जा सके. दिस केव इज करले, प्रेजेंट ए महाराष्ट्र. मॉन्क्स एंड नंस लिव्ड इन एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर्स. इंपॉर्टेंट, करले केव्स कहाँ पर है? करले है महाराष्ट्र में. ठीक है, मंक और कौन रहता था इन केव्स में? मंक्स एंड नंस. अब मंक्स एंड नंस इसमें रहते थे, तो किससे रिलेटेड हो गई? ये बुद्धिज्म से रिलेटेड हो गई. तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि करले केव किससे रिलेटेड है? तो करले केव जो है महाराष्ट्र में प्रेजेंट है और बुद्धिज्म से रिलेटेड है. इसमें क्या होता था? इसमें होती थी मेडिटेशन. अब मोनेस्ट्रीज बिगिन विथ बोथ बुद्ध मंक्स एंड मंक्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर. अब ये लोग पूरे साल तो घूमते रहते थे, अपनी टीचिंग्स को फैलाते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह. ओनली टाइम जब ये लोग रुकते थे वो था रेनी सीजन. रेनी सीजन के टाइम पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय पर ये लोग एक जगह रुक जाया करते थे. देन उनके इसके लिए उनके जो सपोर्टर्स थे ना, वो शेल्टर्स टाइप के बिल्ड कर देते थे, जैसे कि फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज. केव्स में मतलब पहाड़ों में तो ये गुफाओं में रह लेते थे, और वरना इनके जो फॉलोअर्स थे ना, जो इनको जैनवास और बुद्धास जो धर्म फॉलो करते थे, ऐसे लोग अपने जो भिक्कूज और जो गुरु टाइप के होते थे, इनके लिए रहने की जगह प्रोवाइड कर दिया करते थे. एट दैट टाइम
सॉरी एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मंक्स एंड नंस एंड दे देमसेल्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट. तो पहले तो संघास वगैरह में ऐसे ही रैलियाँ करते थे लोग, है ना, घूमते रहते थे. फिर इन्होंने सोचा कि अब मोनेस्ट्रीज बनाई जाए क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, एक परमानेंट प्लेस चाहिए रहने के लिए. तो मोनेस्ट्रीज बनाई जाने लगी और उन मोनेस्ट्रीज को क्या कहा गया, विहार. कुछ नहीं होते थे मोनेस्ट्रीज, एक रहने की जगह होती थी और उनको विहार बोला गया. पहले संघ होते थे, फिर उन्हें विहार बनाने शुरू कर दिए. द अर्लीस्ट विहार्स, जो शुरुआत में विहार होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, फिर उसके बाद ब्रिक से बनाए जाने लगे और कई बार तो केव्स को भी खोद करके हिल्स में विहार्स बना लिए जाते थे. बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब जो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं वो हमें क्या बताती हैं. जस्ट एज वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इन टू द माइटी ओशन, सो आर द वर्न एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ज्वाइन ऑर्डर ऑफ मंक्स. तो जिस तरीके से नदी जो है अपना पानी के बारे में भूल जाती है कि सारी की सारी नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो वो समुद्र का पानी बन जाती है, इसी तरीके से हर कोई जाति धर्म खत्म कर देता है जब वो एक मंक बन जाता है, उनकी सारी जाति धर्म खत्म हो जाती हैं. वेरी अफन द लैंड ऑन विच विहार वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाई रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और किंग. जिन पे विहार और ये वगैरह बनाए जाते थे ना, वो ज़्यादातर या तो रिच मर्चेंट उनको डोनेट कर देते थे या फिर किंग या फिर खूब जिनके पास ज़मीनें होती थी वो दान कर दिया करते थे. लोकल लोग जो थे वो उनके लिए खाना, कपड़े, मेडिसिन ये सब लेकर के आया करते थे मंक्स एंड नंस के लिए. इन रिटर्न उनको काफ़ी सारे उपदेश मिला करते थे, काफ़ी अच्छी बातें सुनने के लिए मिला करती थी. ओवर सेंचुरीज बुद्धिज़्म जो है काफ़ी सारे इलाकों में फैल गया हमारे देश के. अब सिस्टम ऑफ आश्रम का कैसा सिस्टम था हिंदुइज्म में, आपने सुना होगा ना, चार आश्रम होते हैं. तो टाइम था अराउंड अ टाइम जब जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स ने डेवलप किया आश्रम्स का सिस्टम. वर्ड आश्रम का ये मतलब नहीं है कि कोई रहने की जगह, बल्कि ये तो लाइफ की स्टेजेस है, मतलब आपको किस लाइफ की स्टेज में क्या करना है. चार आश्रम होते थे जिनको रिकोगनाइज करा गया था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और असामान्य. जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मैन जो थे उनको अपनी सिंपल लाइफ लीड करनी होती थी, स्टडी करने होते थे वेद जब वो बचपन में होते थे, तो इसको ब्रह्मचार्य कहा जाता था. फिर उनकी शादी हो जाती थी, उन्हें घरों में रहना होता था, इसको गृहस्थ कहते थे. फिर उनको जंगलों में जाना होता था और मेडिटेट करना होता था, इसको वानप्रस्थ कहते थे. फिर उनको सब कुछ छोड़ करके और संन्यास उनको ले लेना होता था, मतलब ऊपर पहुँच गए फिर तो संन्यास ले लेना होता था, ठीक है. तो द सिस्टम्स ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन. तो जो आश्रम थे ना, कुछ पार्ट जो है अपनी लाइफ का वो ध्यान लगा के बिताने के लिए कहा जाता था. जनरली वुमेन को वेदास नहीं पढ़ने दिया जाता था एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड. और उनको वही आश्रम चूज करना पड़ता था जो आश्रम उनके हस्बैंड ने चूज किया था. एल्सवेयर दुनिया की और कोई जगह है उसके बारे में भी हमें लास्ट के चैप्टर में हमेशा बताते हैं ना लास्ट में. तो ईरान जो है हमने मैप में देखना है, जैसे कि ये इंडिया है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर इसके बगल में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे ईरान आता है. ईरान, ज़ोरोएस्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट. ज़ोरोएस्टर जो थे ईरानियन प्रॉफिट थे, एक तरह से उपदेश वो दिया करते थे. उनकी जो टीचिंग्स थी ना वो एवेस्टा एक किताब है उसमें लिखी गई है. लैंग्वेज जो है ना एवेस्टा की एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन इट आर सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास. मतलब जो एवेस्टा में लिखा गया है और वेदास में लिखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं. बेसिक टीचिंग जो थी ज़ोरोएस्टर की वो करती हैं गुड थाट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. मतलब अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, है ना, ये था. द वर्ड्स फ्रॉम द ज़ेनविस्टा, ज़ेनविस्टा से एक चीज़ है वो हमें बताती है, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. लॉर्ड मतलब भगवान हमें दो सच्चाई, अच्छी थिंकिंग जिससे कि हम लोग शांति से और अच्छे से रह सकते हैं. फॉर मोर देन 1000 ईयर्स ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वॉज द मेजर रिलीजन ऑफ ईरान. मतलब इस्लाम आने से पहले यही धर्म वहाँ पर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ही माना जाता था. लेटर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है ईरान से काफ़ी सारे गुजरात में ट्रैवल कर गए और आज हम उनको क्या मान, आज वो पारसी के नाम से हम उन्हें जानते हैं, महाराष्ट्र में आ गए. दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडे.